नमस्ते, कैसे आप सब लोग। जादू चैप्टर 15, ये जो प्रैक्टिस है हमारी 15वें चैप्टर तक पहुंच चुकी है। और जो चैप्टर 15 है उसका नाम है जादू से अपने संबंधों को मधुर कैसे बनाए, यानी कि मैजिकल रिलेशनशिप आप इसे कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स कैसे बनाएं, मैनिफेस्ट कैसे करें रिश्तों को, मैनिफेस्टेशन के लिए जो शुरू की चीज़ें हैं उनको कैसे डालें। तो बेसिकली ये शुरू की चीज़ें हैं, आगे मैनिफेस्टेशन में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से डायरेक्ट वहां पर मैनिफेस्टेशन को लगा सकते हैं। लेकिन यहां से मैनिफेस्टेशन जो है वो आपके रिलेशनशिप का स्टार्ट हो रहा है, वो भी उन रिश्तों को लेकर के जो टूटे हुए हैं। इसके पहले हमने कौन से 3 रिश्ते पिक किए थे? पहला वो तो जो बहुत ही अच्छा था, दूसरा वो जहां पर कुछ कमी है, कुछ ज्यादा कमी है, जहां पर टूटे हुए रिश्ते हैं, जहां पर ब्रेकअप्स वगैरह हैं। लेकिन इस वाले चैप्टर से डायरेक्टली टूटे टूटे रिश्ते ही जुड़ रहे हैं, यानी कि आप डायरेक्टली खराब रिश्ते हैं या फिर किसी ऐसे रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जिसे आप जानते नहीं है, जिसे हम बोलते हैं अननोन स्पेसिफिक पर्सन, या अननोन कोई ऐसा रिश्ता जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर ऐसा रिश्ता जो कि नोन है बट रिश्ता टूटा हुआ है, तो डायरेक्टली यहां से आप कर सकते हैं। लेकिन चैप्टर आपको कैसे स्टार्ट करने पड़ेंगे? Day 1 से करेंगे। आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तभी टूटे हुए रिश्तों तक वो वाइब्रेशन आप डाल पाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से आपकी Day 1 चैप्टर की प्रैक्टिस, Day 2 सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस, फिर Day 3 की प्रैक्टिस, फिर इस तरीके से पूरे इतने डेज की प्रैक्टिस के बाद जब आप इधर तक आते हैं, यानी कि सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग एंड जादू प्रैक्टिस के साथ, तब जाकर के आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे मिलने शुरू होंगे। ठीक है, इसके आगे मैं मैनिफेस्टेशन भी शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए कि किस तरीके से आप टूटे हुए या ऐसे रिश्तों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जहां आपको दिक्कत आ रही हो। तो क्या है अभी चैप्टर की प्रैक्टिस? स्टार्टिंग से जो प्रैक्टिस चल रही है वो कंटिन्यू ही है। अपनी ब्लेसिंग्स को मॉर्निंग में ही आपको अपनी मैजिकल मॉर्निंग बना लेना है, राइट? 10 ब्लेसिंग्स को आपको दिन में अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखना है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि आप अपने मैनिफेस्टेशन की चीजों को भी प्रेजेंट टेंस में काउंट करेंगे, जो कि कम होंगी, यानी कि 3 से 4 ही अफर्मेशन होंगी, बाकी बची हुई 10 में से 6 या 7 अफर्मेशन आपकी वो चीजें होंगी, वो रिश्ते होंगे जो ऑलरेडी आपके पास हैं और अच्छे हैं, ताकि आप मिक्स एंड मैच करके 10 अफर्मेशन बना सकें। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्या अफर्मेशन अभी भी रिश्तों के लिए एक एक लिखनी है, 5-5 लिखनी है। नहीं नहीं, आपको टोटल 10 अफर्मेशन ही अभी तक इसके पहले तक के चैप्टर में चल रही थी, ठीक है? अभी जो चलेगी सिर्फ एक सिंगल अफर्मेशन जुड़ेगी, यानी कि आपकी टोटल अफर्मेशन होंगी 11, यानी कि आज से आपको एक खराब टूटा हुआ, बिल्कुल ही खराब, या फिर ऐसा रिश्ता जहां पर आपको मैनिफेस्ट करने में दिक्कत आ रही हो, चाहे नोन हो चाहे अननोन हो, ठीक है, उनको ऐड करना है। तो अभी फिलहाल आप एक ही रिश्ता रखेंगे, जैसे जैसे मैं आगे आपको रिलेशनशिप को बताते जाऊंगी तो आप 3 रिश्ते भी ऐड कर पाएंगे, बट यहां से प्लीज 15 चैप्टर से अब सिर्फ एक ही टूटा हुआ जो बहुत ही खराब रिश्ता हो, या फिर मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हो जहां पर आप नोन या अननोन को मैनिफेस्ट ना कर पा रहे हो, तो उनको लगाइएगा, ठीक है? तो 10 ब्लेसिंग्स वो हो गई, ठीक है, यहां तक समझ आया? एंड देन उसके बाद आपकी कौन सी वाली चीज जुड़ गई? आपकी एक ब्लेसिंग ऐसी जुड़ेगी जो टूटे रिश्ते को होगी, और वो आपको कैसे लिखनी है वो बताती हूं आपको। किसी भी एक मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटे हुए संबंध को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक चुनना है यहां से। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं, इसे निम्न तरीके से लिखें। तो आपको यहाँ पे 10 चीजें उस इंसान की चुननी है लेकिन लिखनी नहीं है, यानी कि आपको ध्यान से कॉन्शियसली इस बात के बारे में सोचना है कि ऐसी 10 चीजें क्या हैं जो उस इंसान की आपको बहुत पसंद है,
ठीक है। तो जब आपके माइंड में वो 10 चीजें आ जाएं कि उस इंसान का आपको बॉडी बिल्ड बहुत पसंद है, उस इंसान की लॉयल्टी आपको बहुत पसंद है, उस इंसान का हंसी मजाक करने वाला नेचर आपको बहुत पसंद है, उस इंसान की केयर करना आपको बहुत पसंद है, उस इंसान का प्यार करने का तरीका आपको बहुत पसंद है, और जो लोग अननोन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या क्या चाहते हैं आप उन चीजों को चुन सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 10 चीजें आपने चुनी है ना, इसमें से कोई एक बेस्ट चीज आपको चुननी है, जो बेस्ट लगती हो आपको, आपको अपने हिसाब से चुननी है, जो आपको ऐसा लगता हो यार ये 10 में से ना अगर मैं टॉप में किसी को रखूंगी ना तो वो ये वाली चीज है। तो वो 10 आपको अपने माइंड में लेके आनी है, 10 में से वो टॉप अपने माइंड में से एक, सिर्फ एक अफर्मेशन को निकालना है जो आपको अब प्रैक्टिस के अंदर एड करना है। एग्जाम्पल के लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उनका हंसी मजाक वाला नेचर, ठीक है, तो आप ऐसे डाल सकते हैं कि उनके हंसी मजाक वाले नेचर के लिए मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूं, क्योंकि वो जब भी मिलते हैं इतनी अच्छी अच्छी और इतनी खुशी वाली बातें करते हैं कि मन खुश हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 10 के आपने जो अपने माइंड में उस इंसान के लिए चीजें चुनी है ना कि यार इसके अंदर तो ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये होना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों का अननोन है वो चुनेंगे होना चाहिए, और जिन लोगों का नोन है वो चुनेंगे कि ये है, ये है, ये है। कोई तो रीजंस होते हैं, कोई तो ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि हम सामने वाले इंसान को पसंद करते हैं, तो आपको वो उन 10 क्वालिटीज में से बेस्ट क्वालिटी को पिक करना है और उस अफर्मेशन को लगाना है। अब ये लगानी आपको कितने दिन है वो आप ध्यान दीजिएगा, मिनिमम आपको 11 डेज लगानी है, मैक्सिमम आप जितने चाहे उतने दिन तक जा सकते हैं, जब तक आपका खुद का अंदर का मन मना ना कर दे कि यार अब मेरे को ये अफर्मेशन नहीं चाहिए, अब मैं इससे डिटैच फील कर रही हूं या कर रहा हूं, तब उसे छोड़िएगा, अदरवाइज की कोई सीमा नहीं है। लाइक आप 21 डेज जा सकते हैं, 40 डेज जा सकते हैं, 60 डेज जा सकते हैं, 3 महीने जा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप उस अफर्मेशन को जब तक चाहे तब तक कर सकते हैं, जब तक आप नेचुरली डिटैच होना ना सोच लें, आपके मन में ही ना आ जाए। ठीक है, और अदरवाइज अगर मिनिमम देखा जाए तो आप 11 डेज करके उस चीज को छोड़ के दूसरी चीज को ऐड कर सकते हैं, या दूसरे जो अभी मैं आगे रिश्तों के बारे में बताऊंगी आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इस चैप्टर तक इतना ही है, और रात को सोने के पहले आपको अपना ये पत्थर लेना है और उसके लिए अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। कौन सी वाली ब्लेसिंग को काउंट करना है, जो भी चीज आपके आज के पूरे दिन में अच्छी हुई है निकालनी है कोई भी चीज, और नहीं निकले तो अपनी सांसों को ले लीजिएगा, अपने चलने को ले लीजिएगा, अपने आज के कुछ भी खाने को ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया अभी यहां तक 15 चैप्टर। अब हम इसको थोड़ा सा समअप कर लेते हैं कि आपको क्या क्या करना होता है। आपको सुबह सुबह अपनी बनानी होती है मैजिकल, इसके बाद आपको जब आप नहा रहे हैं या सुबह सुबह का जब आप नाश्ता कर रहे हैं तो पूरे दिन की योजनाओं के लिए अभी से आपको फील करना है कि आपकी ये सारी चीजें बेस्ट हुई हैं और आपको यहां से कोई गुड न्यूज मिली है, यानी कि आपको ये फील कर लेना है। इसके बाद में आपको 3 मैनिफेस्टेशंस के ऊपर काम करना है, यानी कि 3 चीजों के बारे में अलग अलग विजुअलाइज करना है और फील करना है, वाओ यार ये चीज मुझे मिल गई है, आई एम रियली वेरी हैप्पी, और दोबारा उस चीज का एक और थॉट क्रिएट करके कि आपने अभी अभी क्या फील किया उसके लिए आपको कृतज्ञ हो जाना है। एक नोट, यानी कि आप जो भी पैसे से जुड़ी हुई चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कुछ खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको उस नोट के लिए कृतज्ञ हो जाना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। इस तरीके से आपको ये वाली प्रैक्टिस को आगे लेके जाना है, 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, और आपको क्या करना है, आई एम हेल्दी, ये चीजों को देखना है, फील करना है कि आप बहुत हेल्दी हैं। जब भी आप कुछ खाना खा रहे हैं तो आपको बस खाने को देख करके फील करना है कि ये 5 एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से मैं जीवित हूं और जिसकी वजह से ये खाना बना है, ये खाना मुझे मिला है, उस खाने को लिए आपको कृतज्ञता देनी है, फील करना है। आप अपने नाश्ते को दीजिए, लंच को दीजिए, डिनर को दीजिए, उपवास है तो अपने फ्रूट को दे दीजिए, दूध को दे दीजिए, पानी पी रहे हैं उसको दे दीजिए, सब में सब चीजें जरूरी ही हैं, किसी भी चीज के बिना कोई भी चीज नहीं है, 5 एलिमेंट्स लगते ही हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप उस चीज के लिए भी कृतज्ञ हो जाते हैं तो आप 5 एलिमेंट्स के लिए इनडायरेक्टली कृतज्ञ हो जाते हैं। रात को सोने के पहले आपको क्या करना है, जादुई पत्थर उठाना है, ग्रेटफुल हो जाना है जो भी दिन में अच्छा हुआ है, और सोने के पहले आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। होपोनोपोनो प्रेयर हीलिंग के लिए है, जो कि 3 बार लग गई है, एक सुबह सुबह उठते ही, एक सेल्फ लव प्रैक्टिस जो कि आप आधा पौना घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी उससे पहले, और एक रात को सोने के पहले डीप ब्रीदिंग की जो मेडिटेशन
मेडिटेशन मैंने आपको बताई हुई है, उसमें आप मैनिफेस्टेशन की मेडिटेशन लगाइए, मनी हीलिंग लगाइए, सेल्फ लव लगाइए, जो आप मैजिक डस्ट अपने ऊपर डालते हैं वो लगाइए, आप जो चाहें वो बिल्कुल लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, सारी लगाना चाहते हैं, टाइम है उस दिन आपके पास में तो वो लगा सकते हैं, ईजी रख के प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, वैसे वैसे आप हील होते जाएंगे, सेल्फ लव के साथ जुड़ते चले जाएंगे और प्रैक्टिस भी कर लेंगे। छोटी प्रैक्टिस है इसलिए कोशिश करिए कि आप इसे कंटिन्यू कर सकें, बीच में अगर एक आधा दिन का कोई गैप हो जाता है तो टेंशन मत लीजिए, दो दिन पीछे जाइए, वहां से प्रैक्टिस को वापस से कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, बाय।